पुलिस की तरफ से लगातार जो है ड्रग्स जो बेच रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। आज राजौरी के ढांगरी इलाके में जो है पुलिस ने एक नाका लगाया था, जैसे 15 अगस्त को लेके जैसे पूरी राजौरी में इसमें हाई अलर्ट चल रहा है, तो उसी हाई अलर्ट के चक्कर में ये नाका लगा हुआ था। इस नाके के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को जो है वो देखा, जब उसने नाका तोड़ के वो भाग रही थी, तो पुलिस ने जैसे ही वो भागी उसमें पुलिस की तरफ से जो है उस पर कार्रवाई की गई, उस गाड़ी को रोका गया और उस गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो राजौरी शहर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे भारी मात्रा पर जो है ये सामान जो है वो बरामद हुआ है, जिसे हम अपनी भाषा में लोकल भाषा में जैसे चिट्टा कह सकते हैं, ये नकली नोट है वो भी बरामद हुए हैं और काफ़ी जो करेंसी है वो भी उससे बरामद की गई है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसके बाद जो बड़े किंग पिन हैं उन्हें भी जो है हिरासत में लिया जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि लगातार राजौरी शहर में जिस तरह से ड्रग्स जो है वो बेची जा रही थी उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से शिकंजा जो है वो कसा गया है और काफ़ी लोगों को हिरासत में जो वो है लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर लोकल यहाँ पे खड़े हैं, जिस तरह से पुलिस ने काम किया है, पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? अमित जी, मैं ये कहूँगा कि आज जिस प्रकार से राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं फिर से कहूँगा कि पुलिस अच्छा काम करेगी, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी जहाँ भी पुलिस को हमारी ज़रूरत होगी हम फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन समाज के अंदर से ये नशाखोरी को बंद करने का जो प्रयास आज राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्पेशली जो किया गया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे समाज का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अमित जी, हमारे समाज को खोखला करने की ये एक बहुत बड़ी चाल है, जहाँ गोलियाँ काम नहीं आती वहाँ बच्चों को ड्रग्स दी जाती है ताकि बच्चे ड्रग्स के अंदर लिप्त हों और धीरे धीरे उस समाज को खोखला किया जाए। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही कड़ा क्राइम है, बहुत ही बड़ा क्राइम, जिस क्राइम को आज राजौरी पुलिस ने रोका है। मैं बधाई देता हूँ DSP हेडक्वार्टर मुदस्सर जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। मैं कहता हूं कि जो लोग पकड़े जाए उन्हें छोड़ा ना जाए और उनके द्वारा दूसरे भी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें भी ढूंढा जाए। मैं विनती करूंगा आपसे कि जब भी किसी को पकड़ते हैं प्लीज़ उनसे पूछताछ कीजिए और लोगों तक पहुंचिए। आप करते ही होंगे आप अपने तरीके से, पर मैं भी आग्रह करूंगा कि ऐसे जो भी तत्व इस समाज के अंदर हैं जो समाज को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नष्ट किया जाए। बिल्कुल, लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई राजौरी शहर में की जा रही है और जो भी व्यक्ति ड्रग्स बेचते हैं या इसका धंधा करते हैं उन पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो पुलिस जो है इस पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने काफ़ी लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया है, मगर कहीं ना कहीं जब इन लोगों से सामान जो है वो कम बरामद होता है तो ये लोग छूट जाते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, लोग ये अपील कर रहे हैं कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये लोग कहीं दोबारा छूट ना सके और जेल की चक्की जो है ये पीसते रहे, क्योंकि ये लोग समाज के उन युवाओं को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो शख्स डोगरा के साथ में अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी। शुक्रगुजार हूं कि वो एकदम से यहां पहुंच गए और उन्होंने इस जो एक ड्रग्स पेडलर पकड़ा गया है। बात यह है कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि हमारे दलोड़ी के अंदर हमारे एक टीचर के ऊपर हाथ उठाया गया, एक छोटे बच्चे ने, माइनर बच्चे ने। मेन कारण उसका यही है कि ये ड्रग्स पेडलर जो हैं उन बच्चों को ड्रग्स देते हैं और बच्चे अपना आपा खो रहे हैं, जिस वजह से ये जो इंसिडेंट राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा दाग जो हमारे एक गुरु के ऊपर हाथ उठाया गया है, बहुत बड़ा दाग जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर लगा है। आज तक इस किस्म का इंसिडेंट यहाँ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो ड्रग्स पेडलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो नौजवान पीढ़ी है उसको तबाह करने में अब ये एक षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि गोली से तो चारा नहीं चला, तो अब ये जो ड्रग्स पेडलर आ गए हैं इन्होंने यहाँ आकर आतंक जो मचाया हुआ है। पिछले दिनों में हमारे सरानू के एक गरीब नौजवान बच्चे की मौत हो गई थी, गरीब का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, गरीब की आवाज़ भी दूर तक नहीं जाती है, लेकिन जब कोई अमीर का बच्चा इसमें मुलब्बस होता है या मरता है तो ये लोग जो हैं बड़ा शोर शराबा होता है, लेकिन गरीब के लिए कोई शोर शराबा नहीं होता है।
मैं अपनी यहाँ के जो हमारे नए डीएसपी साहब आए हैं, हमारे एसएसपी साहब आए हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 6-7 महीनों के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है। हम सब लोग शाना बशाना इनका साथ देंगे। अगर ये इसी तरह ये जो ड्रग्स पेडलर हैं इनको पकड़ेंगे और अच्छी तरह छानबीन करेंगे और इनके ऊपर पीएसए लगाकर इनको अंदर करेंगे तो ये वो दिन दूर नहीं कि इस चीज़ से हम निजात पाएंगे। ये गांव के अंदर आके इन लोगों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। नौजवान पीढ़ी को जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं 11वीं में निकलते हैं घर से बाहर और ये दिन में नाके लगा के बैठे रहते हैं कि कौन से घर का बच्चा है, किस तरीके से उसको कैप्चर करना है। और हम ये बोलते हैं कि इन ऐसे लोगों को ना चौराहे के खड़ा होकर जिंदा आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाली सोसाइटी और आने वाली नस्लों को खत्म कर रहे हैं। इनका इनको जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये जेल में भी रहेंगे तो वहां से फिर हो सकता है कोई बहाना करके इधर उधर करके ये निकल जाएं। इसलिए ऐसे लोगों को मैं सरकार से, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इनको सीधा तिहाड़ जेल भेजो ताकि अगले 20 साल ये वापस ना आ सके। ऐसे लोगों को, चलो अभी ये निकल गए हैं, अगर हमारे गांव के जो लोग अभी पहुंच गए थे, हम इनको दिखाते कि ये दूसरी बार कभी सरानों में नहीं आते, लेकिन चलो अभी पुलिस ले गई है। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इन लोगों का बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो लोगों को खुद करना पड़ेगा। हमने रूटीन में 15 अगस्त को चलते नाका लगाया था। नाके में जो है, जो नाके पे तैनात लोग थे, उन्होंने बताया कि एक शख्स जो है वो बागा नाका तोड़ के तो आगे जाके दोबारा पकड़ा उसको, तो यहाँ पे आके तो उसको तलाशी की, तो उससे कुछ जो है हीरोइन माज जो है वो चीज़ भी बरामद हुई। तो बाद में पता चला कि वो एक पुराना सप्लायर है, हम ऑलरेडी उसके पीछे थे, बट आज जो है चांस रिकवरी में उससे मिला है। तो जो रिकवरी है वो आपको बता दी जाएगी क्या है टाइम पे, अभी हमने वो नहीं, मजिस्ट्रेट साहब मौके पे हैं, अभी वेट नहीं किया, तो जैसे हमारी कार्रवाई पूरी होती है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें बताएंगे। हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिकट जो है काफ़ी सालों से लोग काम कर रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं, और अपनी तरफ से जो रजौरी पुलिस का जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स है उसके भी, ये भी आज भी एक पार्ट था, तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। मैं बार बार अपील करता हूँ। कौन है अक्यूज, इसका नाम क्या डिस्क्लोज? अभी नाम इन्वेस्टिगेशन का अभी हम आपको बताएंगे।